होगी। यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम जो आज की है, मतलब किस योजना के तहत और या क्या, या स्वैच्छिक? नहीं, ये कोई किसी योजना के तहत नहीं है, ये एक वॉलंटरी रूप से चल रहा है कार्यक्रम है। इसमें जो जन सहयोग के माध्यम से ये चल रहा है, एक मोहन जी हैं जो कमलाबाड़ी से हैं, वो हम लोगों को वृक्ष प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कौन है मोहन जी, क्या करते हैं, कुछ विस्तार से? मेन रूप से काम ये किसान है, लेकिन वहाँ पे वृक्ष भी, वृक्ष की खेती करते हैं, कुछ सागवान, अर्जुन, ये सब का। और साथ ही साथ ये हम लोगों को स्वेच्छा से हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वृक्ष देते हैं। हम लोगों की मुहिम में हम लोगों जब इनसे संपर्क किए तो काफ़ी स्वेच्छा से ये आगे आए और आगे आके हम लोगों को वृक्ष प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग जगह पे जाके सामाजिक स्तर पे जो भी समाज के लोग हैं उनके साथ जुड़ के, चाहे वो किसी सार्वजनिक प्लेस हो, जैसे निबंधन कार्यालय हो, आरी कुमार पुस्तकालय हो, हाई स्कूल हो, या बस्ती जयनगर बस्ती का मिडिल स्कूल। संदेश क्या देना चाहते हैं वृक्षारोपण द्वारा लोगों के बीच? संदेश हमारा दो संदेश है, एक तो लोकतंत्र को मजबूत करना, आप लोग मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाएं, वो हमारा एक बैनर है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि पर्यावरण में हम लोग देख रहे हैं दिल्ली की स्थिति, आप लोग अवगत हैं अभी दिल्ली में जो हो रहा है, सभी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, सभी आप देखेंगे कि पूरा इसमें रिस्पांस लोगों का कैसा, मतलब सहयोग कर रहे हैं या नहीं यहाँ के लोग? एकदम से बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का अच्छा सहयोग? जनप्रतिनिधि नहीं, सभी लोग इसमें हमको बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और हम लोग इसमें इसको काफ़ी अच्छे से आगे ले जा रहे हैं। ये चल रहा है हमारा, अच्छे से चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग कहीं ना कहीं पौधा लगा रहे हैं। जी, आप अपना परिचय सर थोड़ा। मैं यहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर हूँ जयनगर उनमंडल में। जी जी, और इसी यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। वृक्षारोपण जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इलेक्शन ऑफिसर द्वारा, मतलब इसके संबंध में कुछ आप जानकारी दीजिए कि इनका प्रयास कैसा है? सभी लोग एक एक प्रयास तो बहुत ही अच्छा है, सभी लोग खासकर पर्यावरण के दृष्टिकोण में, सभी लोग सामाजिक एकता और विकास के दृष्टि। मोहन जी आइए। दूसरा बात है जो की एक मतदाता जो जागरूकता का जो प्रचार है, कारण राजनेता जो होता है ना, जन क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि लोग जी, वो सिर्फ चुनाव के समय में ही मतदाता को खोजते हैं, लेकिन नाम जोड़ने के लिए यह प्रयास है, यह अहम प्रयास है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इसलिए कि पदाधिकारियों को एवं कि उनमें लगे हुए तमाम कर्मी को जो भी मदद होती है हमारी जयनगर पंचायत। जी, आपका परिचय? शशिभूषण प्रसाद, DYFRR सचिव, बिहार। अच्छा, आप युवा हैं, आप अपना परिचय दीजिए और जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए कि इससे लोगों के बीच क्या संदेश जाए। हम विवेक कुमार है, प्रखंड मीडिया प्रभारी भाजपा से हैं। जी, वृक्षारोपण बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, आपको पता होगा अभी दिल्ली का जो कंडीशन है। जी, मतलब अभी नहीं, हमारे भविष्य में, बिहार में भी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए, और हमारे जो बिहार के सबसे चर्चित बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी कुमुद रंजन सर जो है, वो इसमें बहुत अहम भागीदारी निभा रहे हैं, हर क्षेत्र में जाके वो वृक्षारोपण कर रहे हैं। अच्छा, इस कार्य के लिए आप कुमुद रंजन जी को पूरा हमेशा उनके साथ है, 24 घंटा उनके साथ है। अच्छा, उनको आप बधाई, मतलब आभारी इसके लिए है जो बहुत बहुत उनका आभारी। और युवाओं को क्या, मतलब इसके लिए करना चाहिए, वृक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें? हर युवा से अपील करते हैं कि सप्ताह में एक बार एक पौधा कहीं अच्छा जगह पे, कोई फलदार वृक्ष हो, जो मतलब जो ऐसा पौधा जो ऑक्सीजन ज़्यादा दे, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे वो जरूर लगाए। हर सप्ताह में अगर हर युवा, अगर एक सप्ताह में एक युवा अगर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य में हमारे जो आने वाले पूर्वज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जी, धन्यवाद, आप युवा हैं और युवाओं के बीच इससे सकारात्मक संदेश जाएगा जानकारी देने के लिए। वृक्षारोपण अभियान जो चलाया जा रहा है उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं, कितनी जहरीली गैस वहाँ पे चल रही है पॉल्यूशन की वजह से, तो वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है जिससे पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। इसी मद्देनजर हम लोग यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं जयनगर बस्ती में, बहुत जगह हो भी रही है। यह अभियान चल रहा अच्छा है, मतलब लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। जी जी, और फ्यूचर हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा। सर, आप युवा भी हैं, युवा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उनका क्या प्रयास होना चाहिए? नहीं नहीं, जितना हो सके वो वृक्ष लगाएं अपने आसपास हो, और उसका संरक्षण के लिए भी जो व्यवस्था करना हो करें, ताकि अगर बेटर फ्यूचर, बेटर हेल्थ चाहिए तो वृक्षारोपण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बेहतर जीवन के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। जी, धन्यवाद।
आपका अपना YouTube चैनल जयनगर न्यूज को सब्सक्राइब करें और पहले समाचार प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।